स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया? ए कंबोडिया, बी सिंगापुर, सी लाओस, डी थाईलैंड। आंसर, सी लाओस। एक्सप्लेनेशन, भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव रखने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस रामलला पर टिकट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। टिकट पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजित रामलला की प्रतिमा दर्शाई है। भगवान राम के साथ ही महात्मा बुद्ध पर भी पोस्टल स्टैंप जारी किया गया। लाओस के उप प्रधानमंत्री सेलुमिक्से कोमासित और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये विशेष डाक टिकट जारी किए। लाओस की यात्रा पर गए जयशंकर ने एक्स पर यह जानकारी दी। अगला प्रश्न, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? ए तरंग शक्ति 2024, बी गरुड़ शक्ति 2024, सी युद्ध अभ्यास 2024, डी विजय शक्ति 2024। आंसर, ए तरंग शक्ति 2024। एक्सप्लेनेशन, भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 दो चरणों में आयोजित कर रहा है। पहला चरण 6 से 14 अगस्त तक सुलूर, दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे और 30 में से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। तरंग शक्ति अभ्यास में LCA तेजस, मिराज 2000 और राफेल भाग लेने जा रहे हैं। अगला प्रश्न, UPSC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ए विभा आडवाणी, बी जयंती पटनायक, सी ममता शर्मा, डी प्रीति सुदान। आंसर, डी प्रीति सुदान। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति ने UPSC की सदस्य प्रीति सुदान की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह 1 अगस्त 2024 से अगले आदेश तक या 29 अप्रैल 2025 तक जो भी पहले हो UPSC के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। प्रीति सुदान 29 नवंबर 2022 से UPSC मेंबर के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, हमास नेता का नाम क्या है जो हाल ही में ईरान में मारा गया? ए खालिद मिशाल, बी इस्माइल हानिया, सी मसूद पेजेशिकियन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर, बी इस्माइल हानिया। एक्सप्लेनेशन, हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया को बुधवार सुबह तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में मार दिया गया। वे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। हमास चीफ को मारने के लिए इजराइल ने बहुत पहले से प्लानिंग बनाई थी। ईरान के अंदर मौजूद एजेंट के मदद से हानिया का काम तमाम कर दिया गया। इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का काम माना जा रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतिम ग्रुप मैच में किस टीम को हराया? ए बेल्जियम, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नीदरलैंड। आंसर, सी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, भारत ने 52 साल बाद ओलंपिक के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इससे पहले 1972 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की थी। क्वार्टर फाइनल से पहले हरमनप्रीत सिंह की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। इसी के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल से पहले जीत की पटरी पर वापसी कर ली है। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो में हुए पिछले ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था।